पृथ्वी पर मौजूद जितने भी प्राणी हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना और पानी दोनों की जरूरत है। इनके बगैर किसी का जिंदा रहना नामुमकिन है। भले ही कुछ जीव पानी की कम मात्रा पीकर ही जिंदा रहते हैं, लेकिन सबको पानी चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जो सिर्फ और सिर्फ बारिश का ही पानी पीकर जिंदा रहता है? जी हाँ, एक ऐसा ही अनोखा पक्षी है जिसकी प्यास झील, नदी या तालाब के पानी से नहीं बुझती है, बल्कि उसकी प्यास बारिश की पहली बूंदों से बुझती है। यहाँ तक कि इस पक्षी को आप कटोरे में करके पानी दे देंगे तब भी ये पानी नहीं पिएगा। हम बात कर रहे हैं चातक पक्षी की। ये पक्षी किसी झील, तालाब या नदी का पानी नहीं पीता है। सिर्फ जब बारिश होती है तभी ये पक्षी अपनी प्यास बुझाता है। कहते हैं कि पक्षी प्यासा मर जाएगा, लेकिन बारिश के अलावा किसी और सोर्स से पानी नहीं पीता है। इस पक्षी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस मामले में ये काफी स्वाभिमानी है। वो दूसरे किसी तरीके से जल ग्रहण नहीं करता है। चातक को मारवाड़ी में मघवा और पपिया भी कहा जाता है। ये पक्षी अपना स्वयं का घोंसला नहीं बनाता और न ही अपने चूजों को पालता है। इसी कारण से इसे परोपजीवी श्रेणी में रखा गया है। इसका ऊपरी हिस्सा चमकीला काला, नीचे का हिस्सा सफेद, पूंछ के पंखों के किनारे सफेद, आंख के पुतले भूरे या लाल भूरे रंग में, चोंच काले रंग की तथा पांव और पंजे गहरे रंग के होते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसा दर्शाया गया है कि ये पक्षी स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की पहली बूंदों को आसमान से गिरते हुए सीधे चोंच में लेता है। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सिर्फ आसमान में टकटकी लगाए रहता है। ये प्यासा मर जाएगा, लेकिन दूसरे किसी तरीके से ये पानी नहीं पीता है। बारिश में भी ये पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी को ही पीता है। गौरतलब है कि चातक की यही विशेषताएं उसे दूसरे पक्षियों से और खास बनाती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।